सरल और धारा प्रवाह हिंदी में मैत्री उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा छठा भाग। इस भाग में आत्मा का मन और इंद्रियों से संबंध तथा विचार पर नियंत्रण रखना ही मुक्ति है, इन विषयों पर चर्चा है। उपनिषद, कोई पूछता है ये इंद्रियां जो अपने अपने विषयों की ओर जाती हैं, इन इंद्रियों की प्रकृति क्या है? वह कौन है जो उन्हें यहां भेजता है और वह कौन है जो उन्हें रोकता है? दूसरा उसका यह उत्तर देता है, इंद्रियों की प्रकृति तो आत्मा की प्रकृति जैसी है, क्योंकि वह तो आत्मा ही है जो इंद्रियों को यहां भेजती भी है और जो उन्हें रोकती भी है। यहां इंद्रियों के मोहक विषय भी हैं और यहां वह भी हैं जिन्हें चमकदार किरणें कहते हैं। अब आत्मा इन सब विषयों को 5 किरणों द्वारा भोगती है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि वह आत्मा कौन है? आत्मा तो वो है जिसे शुद्ध, साफ, शून्य, शांत और अन्य दूसरे चिन्हों द्वारा परिभाषित किया हुआ है। उस आत्मा को तो उसके अपने ही चिन्हों द्वारा पकड़ा जाना है। कोई कहते हैं कि बिना चिन्ह वाले के चिन्ह तो ताप जैसे हैं, और जैसे सबसे अच्छा लगने वाले स्वाद का संबंध जल से है, ठीक वैसे ही जो कुछ भी ताप से व्याप्त है वह तो अग्नि का है। कोई और कहते हैं कि आत्मा तो वाणी है, दृष्टि है, मन है, श्वास है। तो कोई और कहते हैं कि आत्मा तो समझ है, दृढ़ता है, स्मृति है, बुद्धिमत्ता है। जैसे अंकुर बीज के चिन्ह है, जैसे धुआं, प्रकाश और चिंगारियां अग्नि के चिन्ह है, ठीक वैसे ये सब के सब उस आत्मा के ही चिन्ह है। इस बिंदु पर लोग कहते हैं जैसे चिंगारियां अग्नि में से और किरणें सूर्य में से निकलती हैं, ठीक वैसे ही सभी जीव और बाकी का सब कुछ भी सही क्रम में उस आत्मा से निकलकर इस पृथ्वी पर बार बार आता है। उस आत्मा से ही सभी जीवित प्राणी, सभी लोक, सभी वेद, सभी देव तथा सभी जीव निकलते हैं। उस आत्मा का रहस्यमयी अर्थ यह है कि वह तो सत्य का भी सत्य है। जैसे गीली लकड़ी से जलाई गई आग में से धुएं के अलग अलग प्रकार के बादल निकलते हैं, ठीक वैसे ही इस महान जीव ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के भजन, अथर्वण तथा अंगिरसें, पुरानी गाथाएं, पौराणिक कहानियां, विज्ञान, रहस्यमयी सिद्धांत, काव्य, कहावतें, स्पष्टीकरण तथा टिप्पणियां, इन सब को महान आत्मा ने श्वास द्वारा बाहर निकाला है। उस महान आत्मा में से ही यह सब कुछ निकला है। 5 ईंटों वाली गृहस्थ की अग्नि वास्तव में साल है। इस अग्नि की ईंटें ऋतुएं हैं, जो हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ तथा शरद ऋतु। उसका एक सिर है, 2 पंख हैं, 1 पीठ है और 1 पूंछ है। जो व्यक्ति पुरुष को जानता है उसके लिए यह पृथ्वी प्रजापति के यज्ञ की पहली ढेरी है। यज्ञ करने वाले को प्रजापति अपने हाथों से वातावरण तक उठाता है और उसे वायु को समर्पित करता है। वायु पितरों की अग्नि है। उस अग्नि के लिए ये इसकी ईंटें हैं, प्राण श्वास, अपान श्वास, व्यान श्वास, समान श्वास तथा उदान श्वास। इसका एक सिर है, 2 पंख हैं, 1 पीठ है तथा 1 पूंछ है।
जो व्यक्ति पुरुष को जानता है उसके लिए यह वातावरण प्रजापति के यज्ञ की दूसरी ढेरी है। यज्ञ करने वाले को प्रजापति अपने हाथों से आकाश तक ऊपर उठाकर उसे इंद्र को समर्पित करते हैं। इंद्र तो असल में सूर्य है। इंद्र यह तीसरी देवताओं की अग्नि है। इस अग्नि की ये ईंटें हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के भजन, अथर्वण, वांगीरसे, पौराणिक कहानियां व पुरानी गाथाएं। उसका एक सिर है, दो पंख हैं, एक पीठ है और एक पूंछ है। जो पुरुष को जानता है उस व्यक्ति के लिए यह प्रजापति के यज्ञ की तीसरी ढेरी है। यज्ञ करने वाले को प्रजापति अपने हाथों से आत्मा को जानने वाले को समर्पित करता है। तब यज्ञ करने वाले को वह आत्मा को जानने वाला ऊपर उठाकर उसे ब्रह्मा को समर्पित करता है और वहां वह आनंद और खुशी से भरा हुआ हो जाता है। पृथ्वी तो गृहस्थ की अग्नि है, वातावरण पितरों की अग्नि है तथा आकाश देवों की अग्नि है। इसलिए इन्हें शुद्ध, शुद्ध करने वाली तथा चमकदार कहा गया है। इन्हीं से यज्ञ को प्रकट किया जाता है। पाचन अग्नि इन तीनों शुद्ध, शुद्ध करने वाली तथा चमकदार का मिश्रण है। इसलिए इस अग्नि की उपासना आहुतियों द्वारा की जानी चाहिए, इसे ईंटों द्वारा बनाना चाहिए, इसकी स्तुति करनी चाहिए, इस पर ध्यान लगाना चाहिए। जब वह आहुति डालता है तब यज्ञ करने वाला उस देव पर ध्यान यह कहकर लगाता है, वह सुनहरे रंग वाला पक्षी जो हृदय तथा सूर्य में बसता है, वह बेमिसाल चमक वाला गोताखोर पक्षी है, वह बेमिसाल चमक वाला हंस है, हम अग्नि में उसकी उपासना करें। यह कहकर वह इस श्लोक का मतलब समझ लेता है और तब उसे सावित्री की आराध्य भव्यता पर ध्यान लगाना चाहिए, जो अपनी ही समझ में बसने के कारण उस पर ध्यान लगाता है। यहां वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मन के लिए शांति होती है और वह मन को आत्मा में रख देता है। इस बिंदु पर ये श्लोक है, जैसे आग बिना ईंधन के अपनी ही जगह में विलुप्त हो जाती है, ठीक वैसे ही विचार भी मन की कार्रवाई रुक जाने पर अपने ही स्रोत में विलुप्त हो जाता है। उस मन में भी जो सत्य खोजता है और जो अपनी ही जगह में शांत हो गया है, उस मन में भी पहले किए गए कर्मों से जब मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है तब उस मन में भी झूठे विचार उठने लगते हैं। व्यक्ति के अपने विचार ही तो संसार हैं। इसलिए व्यक्ति कोशिश करके अपने विचारों को शुद्ध करे। जैसा व्यक्ति सोचता है वह वैसा ही बन जाता है और यही शाश्वत रहस्य है। विचारों की शांति से व्यक्ति सभी अच्छे और बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है। आत्मा में बसता हुआ शांत आत्मा से व्यक्ति अनश्वर सुख भोगता है। यदि व्यक्ति का मन ब्रह्म पर भी वैसे ही टिका रहे जैसे व्यक्ति का मन सांसारिक वस्तुओं पर टिका रहता है, तब वह बंधन से मुक्त कैसे नहीं होगा। कहते हैं कि मन तो दो तरह का होता है, एक तो शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। इच्छा के संपर्क से आने से तो मन अशुद्ध हो जाता है और इच्छा के संपर्क से हट जाने से, इच्छा से मुक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। मन को सुस्ती से तथा बेचैनी से मुक्त करके, उसे स्थिर करके व्यक्ति मन से मुक्ति पा लेता है और वह बिना मन वाला हो जाता है और यही परम अवस्था है। व्यक्ति को अपने मन को
अपने हृदय में तब तक रोक कर रखना चाहिए जब तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाए। तब वही ज्ञान है, वही मुक्ति है। बाकी सब कुछ तो उन्हीं गांठों का ही विस्तार है जो गांठें हमें इस जीवन से बांधे रखती हैं। जिस मन के सारे दाग धब्बे एकाग्रता द्वारा धोए गए हों और जो मन आत्मा में प्रवेश कर गया है, उस मन की खुशी का वर्णन तो यहां शब्दों द्वारा किया ही नहीं जा सकता। उस खुशी को तो आंतरिक अंगों से ही पकड़ा जा सकता है। जैसे व्यक्ति जल का जल में, अग्नि का अग्नि में या आकाश का आकाश में भेद नहीं कर सकता, ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन उसकी आत्मा के अंदर प्रवेश कर गया है, वह व्यक्ति तो पूरी तरह से मुक्त है। असल में मानव जाति के लिए तो मन ही दोनों बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधन की स्थिति में मन वस्तुओं और विषयों से बंधा हुआ है और मुक्ति की स्थिति में मन वस्तुओं और विषयों से आजाद है। इसलिए जो लोग अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते, जो अग्नि नहीं जलाते, जो अज्ञानी हैं, जो ध्यान नहीं लगाते, उन लोगों के लिए तो ब्रह्म के स्वर्ग को याद तक करना करने में रुकावट आती है। इसलिए उस अग्नि की उपासना आहुतियों से करनी चाहिए, उसे ईंटों से बनाना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। हम पृथ्वी में बसने वाली और जगत को याद करने वाली अग्नि की उपासना करते हैं। हे अग्नि, उपासक को वह जगत प्रदान करो। हम वातावरण में बसने वाली और जगत को याद करने वाली वायु की उपासना करते हैं। हे वायु, उपासक को वह जगत प्रदान करो। हम स्वर्ग में बसने वाले तथा जगत को याद करने वाले आदित्य जो सूर्य देव है की उपासना करते हैं। हे सूर्य देव, उपासक को वह जगत प्रदान करो। हम सब में बसने वाले और सब कुछ याद करने वाले ब्रह्मा की उपासना करते हैं। हे ब्रह्मा, उपासक को सब कुछ प्रदान करो। सत्य का मुख तो सोने के आवरण, सोने के पर्दे से ढका हुआ है। हे पोषण करने वाले ईश्वर, सोने के इस पर्दे को सत्य के मुख से हटा दो, ताकि हम उस अमर, उस सब कुछ व्याप्त करने वाले तक पहुंच सके। वो व्यक्ति जो उधर उस सूर्य में है, मैं भी तो वही हूं, और वह जो असल में उस सूर्य की सूर्यता है, वही अमर सत्य है। वह तो वही उज्जवल व्यक्तिगत तथा बिना लिंग भेद के है, जो आकाश को व्याप्त किए हुए है। उस उज्जवल शक्ति का एक हिस्सा ही है जो सूर्य में है, जो आंख में है और जो अग्नि में है। उसी उज्जवल शक्ति का एक हिस्सा ही है जो सूर्य के मध्य अमृत है, जिसके चंद्रमा और सभी जीव शाखाएं हैं, जिसके ये संतान है। वही ब्रह्म है, वही वैभव है, वही अमर सत्य है। आकाश को व्याप्त किए हुए उज्जवल शक्ति का एक हिस्सा ही है जो यजुर्वेद के रूप में सूर्य में प्रकाशमान है, जो सूर्य ओम है, जल है, प्रकाश है, सार या रस है, अमर है, ब्रह्म भूर भुव स्वर तथा ओम है। वह आठ पैरों वाला है, वह शुद्ध है, वह हंस है, वह तीन तारों वाला है, वह महीन है, वह अनश्वर है, वह दोनों अच्छे व बुरे भावों या गुणों के प्रति अंधा है। वह प्रकाश से प्रज्वलित है। वह जो उसे देख लेता है, वह तो सब कुछ देख लेता है। जो आकाश को व्याप्त किए हुए है, उसी उज्जवल शक्ति का एक हिस्सा ही है जो सूर्य के मध्य में से उठकर प्रकाश की दो किरणें बन जाती है। वही जानने वाला ज्ञाता है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही यजुस है
वही ताप है, वही अग्नि है, वही वायु है, वही श्वास है, वही जल है, वही चंद्रमा है, वही चमकदार है, वही अमर है, वही ब्रह्म का स्थान है, वही प्रकाश का सागर है, और इसमें ही उपासक वास्तव में नमक के ढेले की तरह घुल जाता है। यही ब्रह्म के साथ एकता है और इसी में सारी इच्छाएं भरी हुई हैं। इस बिंदु पर लोग कहते हैं, जैसे मंद हवा से दीपक की लौ उठती है, वैसे ही वह पुरुष जो देवों में बसता है वह प्रकाशमान होता है। वह जो यह जान लेता है, वह जानने वाला ज्ञाता है, वह अंतर को, वह फर्क को जान लेता है और एकता को पकड़कर वह उसी एकता के साथ अपनी पहचान बना लेता है और वह वही बन जाता है। वे जो समुद्र की फुहार बूंदों की तरह सदा ऊपर उठती रहती हैं, जैसे सबसे ऊंचे आकाश के बादलों के बीच के प्रकाश में से बिजलियां निकलती हैं, ये सभी अपने वैभव के प्रकाश में प्रवेश करने के कारण अग्नि के पथ में लौ की चट्टानों की तरह दिखाई देती हैं। वास्तव में इस ब्रह्मा प्रकाश के दो रूप हैं, एक तो है इसका शांत रूप और दूसरा है इसका प्रचुर मात्रा वाला रूप। आत्मा के शांत रूप का आश्रय व सहारा आकाश है और उसके प्रचुर मात्रा वाले रूप का सहारा अन्न है। इसलिए यज्ञ के कुंड में व्यक्ति को यज्ञ पवित्र भजन, जड़ी बूटियां, घी, उबले हुए चावल, बलि का मांस तथा अन्न की टिकिया डालनी चाहिए तथा मुंह में अन्न व पेय यह जानते हुए डालना चाहिए कि मुंह तो देवों की अग्नि है। यह सब व्यक्ति भरपूर चुस्ती फुर्ती के लिए तथा पवित्र लोक जीतने के लिए और अमरता पाने के लिए करता है। जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा करता है उसे अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। यम का राज्य व्यक्ति अग्निस्तोम यज्ञ से जीतता है। चंद्रमा का राज्य व्यक्ति उक्त से जीतता है। सूर्य का राज्य व्यक्ति 16 दिनों के यज्ञ से जीतता है। स्वतंत्रता का राज्य वह अतिरात्र यज्ञ से जीतता है तथा प्रजापति का राज्य व्यक्ति 1000 वर्षों के अंत तक चलने वाले यज्ञ से जीतता है। जैसे दीपक का अस्तित्व बाती, सहारे और तेल के मिलन से होता है, ऐसे ही आत्मा और सूर्य का अस्तित्व भी आत्मा और जगत के अंडे के मिलन से होता है। असल में ये दो आत्माएं हैं, एक तो है साक्षी या दृष्टा आत्मा और दूसरी है अनुभव करने वाली आत्मा। साक्षी या दृष्टा आत्मा तो शांत है, जबकि अनुभव करने वाली आत्मा गतिविधि से भरी है। इसलिए व्यक्ति को ओम द्वारा उस असीमित वैभव पर ध्यान लगाना चाहिए जो तीन तरह से प्रकट हुआ है, अग्नि में, सूर्य में तथा श्वास में। अब यह वह रास्ता है जिससे यज्ञ की अग्नि में बहुत मात्रा में डाला गया अन्न ऊपर सूर्य को जाता है। उस सूर्य में से जो रस बहता है वह उद्गीत गान की तरह बरसता है। इससे जीवित प्राणी यहां अस्तित्व रखते हैं, जीवित प्राणियों से संतान या वंशज आते हैं। इस बिंदु पर लोग कहते हैं, वह आहुति जो अग्नि में दी गई है वह आहुति सूर्य को जाती है, सूर्य उसे अपनी किरणों द्वारा नीचे बरसाता है, उससे अन्न उगता है और अन्न से जीवों का उत्पादन होता है, उससे जीव पैदा होते हैं। और ऐसा कहा गया है, वह आहुति जो अग्नि में ठीक तरह से डाली गई है वह आहुति सूर्य को जाती है, सूर्य में से वर्षा आती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से जीवित प्राणी आते हैं।
जो व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ करता है वह व्यक्ति स्वार्थी इच्छाओं के जाल को फाड़ देता है, तब भ्रम संदेह या घबराहट को काट कर वह क्रोध को उचित नहीं समझता और उसे त्याग देता है। इच्छा पर ध्यान लगाते हुए वह ब्रह्मा के चारों कोशों को काट देता है, उधर से वह सबसे ऊंची जगह को जाता है, वहां वह सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा शुद्ध जीव इन सब के क्षेत्रों को चीरता हुआ तब वह स्वयं शुद्ध होते हुए और शुद्ध होने के नाते वह उस बुद्धि को देखता है जो शुद्ध जीव में बसती है, जो अचल अमर अनश्वर चिर काल तक रहने वाला है, जो विष्णु के नाम से जाना जाता है, जो अंतिम निवास है यानी जो परम धाम है, जो सत्य के प्रेम से भरा हुआ है, जो सर्वज्ञ है, जो सबको जानने वाला है, जो स्वतंत्र है और जो अपने ही महानता में खड़ा है। इस बिंदु पर लोग कहते हैं सूर्य के मध्य चंद्रमा खड़ा है, चंद्रमा के मध्य अग्नि खड़ी है, अग्नि के मध्य शुद्ध जीव खड़ा है और शुद्ध जीव के मध्य खड़ा है वह अनश्वर। उस पर ध्यान लगाए हुए जो शरीर के हृदय में अंगूठे के माप जितना है, जो छोटे से भी छोटा है, तब व्यक्ति परम अवस्था को चला जाता है और उसी अवस्था में सभी इच्छाएं निहित हैं, उसी अवस्था में सभी इच्छाएं मौजूद हैं। इस बिंदु पर लोग कहते हैं अपने शरीर के हृदय में अंगूठे जितने माप वाले के होते हुए जो प्रकाश की 2 गुना या 3 गुना जलती लपटों जैसा है वह ब्रह्मा जिसकी स्तुति की जाती है, उस महान देव ने सब लोकों में प्रवेश किया हुआ है। ओम ब्रह्म, ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हाँ, हम ब्रह्मा की आराधना करते हैं। मैत्री उपनिषद का 6ठा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति 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 ओम।